पी के बताओ गुड्डू कैसा लग रहा है, टेस्ट करके बताओ। बहुत अच्छा, चलो काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइज आज आपको ले चलता हूँ मैं दिल्ली के 2-3 सबसे बेहतरीन जगहों पर, तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। जामा मस्जिद की पाक नमाज आप लोगों के लिए। गेस करो कहाँ है हम लोग। भीड़ भरे मार्केट में, एग्जैक्टली वही सोच रहे हो आप, सही सोच रहे हो आप लोग। हम लोग अभी चांदनी चौक के पराठे वाली गली में हैं और अभी हम लोग खाने वाले हैं पराठे गर्मा गर्म। तो चलते हैं एक दुकान में। हम लोग का गया प्रसाद शिवचरण पराठे वाली दुकान, लोग यहीं पे खाते हैं कुछ। ठीक है तो एक मिनट, यहाँ लिस्ट है इतने तरह के पराठे मिल रहे हैं भाई। हम लोग भी सोच रहे हैं कौन सा ऑर्डर करें कौन सा ना ऑर्डर करें, और देख सकते हो छोटी सी जगह लेकिन काफ़ी भीड़ है। ये है स्पेशल थाली पराठे की, जैसा कि आप लोग देख रहे हो देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है, खाने में कैसा होगा पता नहीं, देखता हूँ। भाई साहब सच में मज़ेदार, गोलू कैसा लग रहा है बताओ। काफ़ी अच्छा, चलो काफ़ी अच्छा, खाने के बाद देखता हूँ प्राइस कितना लगता है। अभी अभी जस्ट लस्सी मंगाया हूँ, सामने में एक दुकान है लस्सी का, लस्सी का ऑर्डर करोगे वहीं से मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पी के बताओ गुड्डू कैसा लग रहा है, टेस्ट करके बताओ। बहुत अच्छा, चलो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे खाने के साथ साथ देखो कैसा है ना, एक काजू के पराठे ये, ठीक है 2 पीस काजू के पराठे, फुल प्लेट सब्जी, आपको 160 पड़ेगा, मतलब 80 रुपये के एक पराठे, काफ़ी सस्ता है जिस हिसाब से, इतना क्वालिटी वाला है ना हिसाब से। दिल्ली आओ तो चलाना मत भूलना, लाल किला जामा मस्जिद घूम के खाने का मज़ा लेके घर लौट सकते हो आप। ठीक है से चल के आगे तक जा सकते हो, मैं ले चलता हूँ धीरे धीरे। और यहाँ फ्री एंट्री है, कोई मनी नहीं लगता है। आप यहाँ से मेट्रो से अगर आना हो तो आपको कालका मंदिर उतरना होगा एंड वहाँ से बस 20 रुपये ऑटो लेगा और वो पहुँचा देगा आपको यहाँ पे।
अपोजिट है, सो फोटो पता नहीं कैसा आ रहा है वीडियो, मैं दूसरे साइड जाके लूँगा। ठीक है, मेन गेट शायद क्लोज है, यहाँ से मेन गेट क्लोज है जिसके कारण यहाँ से एंट्री नहीं मिल रही, पता नहीं साइड से मैं जाता हूँ, इधर से ही सारे लोग जा रहे हैं, मे बी उधर से एंट्री हो। यहाँ से आप इसका व्यू देखो, काफ़ी अच्छा है, ये ऑडिटोरियम टाइप का है जिसमें आप बैठ के प्रे कर सकते हो किसी भी गॉड को, अंदर शायद देखता हूँ जाने का है ना। काफ़ी भीड़ है आज भी, मंडे का दिन है, जैसा जब देख सकते हो साइड में स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है, चारों ओर से स्काई कलर का पानी है, और ये कुछ नज़ारा पूरे दिल्ली का आप देख सकते हो। ये अंदर का आप देख सकते हो, सफाई हो रहा है बट कोई है नहीं ड्यू टू COVID-19। सो आओ बाहर से देखो, खाता हूँ आपको, अच्छा दिखेगा शायद आपको, देख सकते हो सिंपली ये ऑडिटोरियम ही है, यहाँ पे बैठ के आप लोग प्रे कर सकते हो। राइट, ये अंदर का व्यू है लोटस टेम्पल का, ये बाहर का व्यू है हमारा लोटस टेम्पल का, काफ़ी भीड़ है। हम लोग उस रास्ते से आए थे और वहाँ पे अंदर का व्यू देखा था, फिर उसके बाद इस वे से जो देख रहे हो सामने में एक बना हुआ है सब, उधर से आ सकते हो, और यहाँ से फ़ोटोज़ लेने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है ये पॉइंट, यहाँ से पूरी तरह से अगर इवनिंग में आते हो तो इधर से फोटो अच्छा आएगा, और अगर मॉर्निंग टाइम में आते हो तो उस साइड एंट्री गेट पॉइंट। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, और ये जो वाटर है ना ये प्योर स्काई कलर का है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, फ्री एंट्री है, और क्या चाहिए दिल्ली में घूमने के लिए। जब आप लोटस टेम्पल के चारों ओर घूमोगे ना, जब कोरोना खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये गेट यहाँ से ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से नीचे जा सकते हो, और यहाँ पे स्विमिंग पूल है तो नज़ारा यहाँ से देख सकते हो, इसमें नहाना अलाउड नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्लेस है ये, मज़ा आ जाएगा आपको, एक दो घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हो यहाँ बैठ के, बातें करके फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, काफ़ी चिल कर सकते हो, और यहाँ से दिल्ली का थोड़ा सा नज़ारा, दिल्ली में उतने ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू मुंबई, प्लेस इज़ वेरी नाइस। और यहाँ से हम लोग नीचे उतर सकते हैं, एंड बस यहाँ से एग्जिट गेट की तरफ जाना है, ये रास्ता है,